नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है सरगर्मी तेज हो चुकी है और लगातार जितनी भी पार्टियां हैं लगातार अब पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रही है और जनता का रिव्यू ले रही है कि आखिर इस बार का जनता जो है क्या रुझान रखती है, किस ओर उनका करवट बदलेगा और क्या चाहती है हर पार्टियों से। इसी क्रम में जो है नेशन 24 की टीम जो है पूरे झारखंड प्रदेश के दौरे पे है, लगातार जनता के बीच जा रही है, जो पहले से जीते हुए प्रत्याशी हैं उनसे मिल रही है और उनसे बातें कर रही है और उनके क्या प्रभाव है जनता के बीच और जनता क्या चाहती है उनसे, इन सारे चीजों पे चर्चा और परचर्चा कर रही है। इसी क्रम में अभी हम सत्यानंद झा जी के पास पहुंचे हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और 2009 में जो है जीत के यहाँ पे जो है परचम फहरा चुके हैं। पर अफसोस है कि 2019 में उनकी जीत नहीं हो चुकी थी कुछ किसी कारणवश, लेकिन इस बार 2024 में फिर से ये कमर कस चुके हैं और लगातार जनता के बीच जो जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसे निदान करने की कोशिश कर रही है। तो आइए चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रदेश को लेके, खासकर इनके विधानसभा क्षेत्र को लेके कि आखिर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और क्या लगता है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में क्या इस बार भी सत्यानंद झा जी परचम फैला पाएंगे और जनता का विश्वास, जनता का प्यार क्या इनको मिल पाएगा। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे इन जुबानी इस सारे प्रदेश की कहानी। नेशन 24 में सर आने के लिए जी आपको बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा समय पर आए। मेरा पहला सवाल है सर कि 2009 में आप जीते थे, जनता का विश्वास था, 2000 जो नेक्स्ट चुनाव हुआ 2014 में उसमें क्या हुआ? देखिए, यहाँ तो चुनाव जीतने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से है। झूठा वादा, झूठा नारा और पैसे के बल पर, शराब के बल पर लोग चुनाव जीतते हैं। गरीबों का क्षेत्र है, गरीबी बहुत ज्यादा है और बहुत ऐसे लोग हैं, गरीब लोग, जो नहीं जानते हैं कि भाई क्या है वोट और, लेकिन धीरे धीरे वो चीज अब जागरूक होता जा रहा है। जब से मोदी जी की योजनाएं आई है और घर घर मोदी जी का जो लाभ पहुंच रहा है, तो जनता अब जाग चुकी है और 10 साल का और 5 साल के पीछे का समय अब नहीं है। अब हमें मिलता है कि जो गरीब व्यक्ति भी है वो भी कहता है कि मोदी ने ये काम हमारे लिए किया। और लगातार हम जब लोग गरीबों से संपर्क कर रहे हैं तो यह देख पा रहे हैं कि धरातल पर प्रधानमंत्री के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, गरीबों को मिल रहा है और गरीब लोग बहुत खुश हैं। इसलिए स्थिति परिस्थिति अब बदल गई है। अब विपक्ष का कोई दावा नहीं चलेगा, भुलाकर, दारू पिलाकर और मीट खिलाकर या पैसा बांटकर जो चुनाव लोग जीतते हैं किसी भी क्षेत्र में, मैं इस क्षेत्र की बात क्या करूं, कहीं भी इस तरह का बात होता है, ये बात कोई छिपा हुआ नहीं है। अब यह नहीं चलेगा, जनता अब जाग चुकी है। क्या लगता है कि इस बार जनता आप पे विश्वास करेगी? निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है और भरोसा है जनता को, जनता के ऊपर, निश्चित रूप से आने वाले समय में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। हेमंत सरकार को लगातार, हेमंत जी को ईडी का जो है सम्मान जा रहा है पर वो शामिल नहीं हो रहे, वो वहां पे पहुंच नहीं रहे हैं, इसके पीछे का क्या राज हो सकता है? देखिए, हम जब निर्दोष हैं तो हमको जाना चाहिए। जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे वो समय को याद करिए, उनके ऊपर भी इसी तरह का आरोप लगा था, उन्होंने उसका सामना किया था और सामना करके अपनी बातों को कहा और वो निर्दोष साबित हुए, क्योंकि वो निर्दोष थे इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं था। बार बार करने के बाद नहीं जाते हैं तो लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो नहीं जा रहे हैं। उनको जाकर के अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए। और मैं तो इतना ही कहता हूं कि अन्याय बहुत दिन तक नहीं चलता है और जो गलत काम है उसको ढक करके बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता है। वो सही वस्तु समाज के सामने, देश के सामने और लोगों के सामने आएगा। खबरें ऐसे भी आ रही है, क्या एक थोड़ा अटपटा सा सवाल आपको लग सकता है कि क्या जेएमएम और बीजेपी एक हो सकती है क्या झारखंड में? ऐसी अभी कोई संभावना दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं पड़ती। कुछ तो संभावना हो सकती है? नहीं, कुछ संभावना है, ऐसा संभावना तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अब राजनीति है। अब हमारे केंद्र के नेता है, राज्य के नेता है, वो क्या सोच रहे हैं मैं इस विषय में मुझे किस तरह का जानकारी नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अभी इस तरह की कोई संभावना बन सकती है। जेएमएम सरकार
महागठबंधन की सरकार है, इंडियन अलायंस की हम बात कर रहे हैं, अब उसकी क्या स्थिति है? उठा पटक चालू हो चुका है और लगातार नाखुश भी हो लोग रहे। ममता जी ने बीच छोड़ के चले गए, नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चल गए, क्या कहना चाहिएगा? जैसे पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा एक दिशा नहीं बन सकती है मिलकर के, वैसे ये जो इंडिया गठबंधन है ये कभी गठबंधन नाम का होगा काम का कोई गठबंधन नहीं होगा, और ये गठबंधन धीरे धीरे चकनाचूर हो जाएगा। मतभेद तो उभर कर आया ही है, धीरे धीरे टकराहट होगी, ये चूर होकर समाप्त हो जाएगा। 8 आपराधिक मामले आप पे हुए हैं जैसा रिकॉर्ड कह रहा है, क्या लगता है उस किस तरह के मामले हैं और क्या सारी चीजें? मेरे पर आपराधिक मामले ऐसे कुछ आपराधिक मामले नहीं है, जो भी मामले थे वो सारा कोर्ट ने, एक दो मामले थे कोर्ट ने हमें निर्दोष साबित कर दिया है, और को आज के दिन में कोई मामला नहीं है। मामले तो होते जाते रहते हैं। एक अंचलाधिकारी ने हमरे ऊपर केस किया था और उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने कहा था कि भाई हमने मारपीट किया, तो मैं उनको सच्चाई बात कहने गया था, उन्होंने मेरे ऊपर जो सच्चाई बात था, किसी का पैसा का भुगतान नहीं हो रहा था, पैसा परसेंटेज लेकर के तालाब का, बहुत दिन की बात है, और कोर्ट ने उसको निराधार बताया, वो समाप्त हो गया है। और जो भी मामले हैं कोर्ट के मारे पदाधिकारियों ने, पुलिस ने तो केस किया अवश्य है, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है, कोई कहीं किसी तरह का कोई मामला नहीं है। इतना ही नहीं, मैं आपके समझ चाहता हूं कि मंत्री के ऊपर ईडी और सीबीआई लगा करके जांच किया जाता है, मैं भी मंत्री रहा हूं, मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर भी ईडी और सीबीआई लगाकर मेरी संपत्ति की जांच पाई पाई कर ले। और अभी के जो वर्तमान विधायक हैं, चाहे वो नाला के हो, जामताड़ा के हो, दूसरे तरह के, और जो मंत्री हैं अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के, उन सब पर भी ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि किसके पास कितनी संपत्ति है, इसको मैं खुलेआम आपके समक्ष कहता हूँ। आप इशारा नाला वर्तमान के जो विधायक है सभी पर, नाला खाली नाला नहीं, मैं नाला हो, जामताड़ा हो, और यहाँ के मंत्री हो, उन पर भी होना चाहिए कि उनको कैसे संपत्ति, और मैं पहले हमसे शुरू हो, मैं कहता हूँ कि हमसे ईडी और सीबीआई शुरू होनी चाहिए, मैं ही मंत्री रहा हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, एकदम होना चाहिए, और निश्चित रूप से जहाँ पहले हमसे शुरू हो, लेकिन बाकी लोगों का भी हो, ताकि सबको, सबके सामने, जनता के सामने सबका पिक्चर आवे कि कौन सही रूप से काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण बन रहा है आपके? लोकसभा का चुनाव हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई तरह का संशय नहीं है। हम नहीं 16 नहीं 14 है, 14 में 14 की सीट हम जीतेंगे इस बार, पूरी तरह से 12 तो हमारा जीता हुआ है, 2 सीट और हम जीतेंगे, 14 का 14 हम जीतेंगे। कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट हाथ लगने वाला नहीं है। नाला का मुख्य समस्या क्या है जिससे अभी आप रूबरू हो रहे हैं, जो मुख्य समस्या तौर पे दिख रहा है कि उसका निदान बहुत जरूरी है नाला वासियों के लिए, क्योंकि जो स्थिति हमने जब यहाँ पे दौरा किया और सर्वे किया, और जब हम ग्रामीणों के बीच गए तो बहुत तरह से शिक्षा का अभाव दिखा, स्वास्थ्य का अभाव दिखा, फिर बिजली समस्या दिखी, इन सारी चीजों के मुख्य तौर से सामने आ रहा है, तो क्या लगता है कि ये एजेंडा हो सकता है वोट के लिए या वोट बैंक की राजनीति हो? देखिए समस्या तो सबसे पहली समस्या जो मैं बताता हूँ, ये अजय बराज योजना बहुत दिनों से, तो उसको पानी को मैं कुंडहित के कुछ दूर तो लाया था, लेकिन इतना हुआ था कि उसमें छेद हो चुका था, उसको मरम्मती का काम भी हमने प्रारंभ किया, बहुत काम हुआ। फिर हमारे मंत्री समाप्त होने के बाद में जो लोग आए सरकार में आए, जो विधायक है, उसके बाद कोई काम नहीं, शून्य है। अजय आज सरकार बने, इसके 4 वर्ष हो गए, अजय बड़ा योजना जो नाला का मुख्य योजना है जिसमें पानी आकर के सिंचाई हो सकता है, ये सरकार आंख मूंद करके चुपचाप है, और मैं आपको कहता हूं कि उसको देखने से मिलेगा, उसका प्रारंभ और पानी लाने का काम जिन सबसे पहले आजादी के बाद हुआ था, तो वो मेरे ही पीरियड में हुआ था, हमने पानी लाने का बहुत काम किया और उससे बहुत लोगों को लाभ भी मिला, और उसमें कुछ खेती भी हुआ, लेकिन हमारे जाने के बाद फिर ज्यों का त्यों लटक कर रह गया। स्वास्थ्य भी काफी दयनीय है, स्वास्थ्य अभी दयनीय है, महल तो बन रहा है, इसमें कोई बात नहीं, कमीशन मिल रहा है, काफी महल बन गए, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, तो निश्चित रूप से बिचौलिए को, दलाल को, नेता को कमीशन मिल रहा है, लेकिन कहीं कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई बहाली नहीं है, और महल जैसे का तैसे बना हुआ है, ठेकेदार को लाभ हो रहा है, नेताओं को लाभ हो रहा है, लेकिन कोई पदाधिकारी की पोस्टिंग नहीं हो रही है, मैंने ये शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी की नहीं हो रही है पोस्टिंग, स्टाफ की नहीं हो रही है, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, दवा नहीं आ रही है,
इसीलिए यहाँ से लोग पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, सिवड़ी जा रहे हैं, वर्धमान जा रहे हैं इलाज के लिए। इसकी ये दुर्गति है। अब वो आवास की बात करते हैं, महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री जी का, कितना सफल है? सफल क्या है, अभी तो घोषणाएं हुई है, देखिए कहां तक सफल होता है। और घोषणा से तो काम नहीं पड़ेगा, ये तो इनका समय कितना बचा है। अभी आप खूब अधिक से अधिक ले लीजिए लोकसभा का चुनाव में, फिर आचार संहिता लगने, इनके पास 6 से 7 महीना का समय है। अगर ऐसे भी वो चुनाव में जाना पड़े तो इनको 6-7 महीना में कितना लोगों का आवास देंगे, ये तो इनको भूल भुलैया है। अधिक से अधिक अगर कोई दे भी दे तो पंचायत में 1 या 2 या 3 लोगों को अगर दे देंगे तो होगा, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें भी हमको संशय है, क्योंकि उनका 2 बार जनता दरबार हो चुका है, 3रा जनता दरबार है, 2 बार में का कागज कहाँ चला गया ये पता नहीं है, और इनका कागज भी गायब हो जाता है, जो आवेदन होता है वो भी गायब होता है, आवेदन को फेंक दिया जाता है, इसके कई बहुत सबूत है। आलमगीर आलम ने कहा है कि पूरी तरह से इस बार बीजेपी की सफाया हो जाएगा झारखंड। देखिये उनका कहने से कहने का कुछ है, लेकिन जनता के बीच वो संदेश नहीं है। जनता का रुझान, जनता की जो आवाज है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उनके कहने से तो नहीं हो जाएगा, हम कुछ कहते नहीं कहते हैं, असल बात जो जनता कहेगी वही बात होगा। बीजेपी के कद्दावर नेता सत्यानंद झा जी क्या सोचते हैं अपने क्षेत्र को लेकर और पूरे झारखंड को? देखिए मैं सोचता हूँ कि झारखंड निश्चित रूप से एक विकसित राज्य की श्रेणी में आना चाहिए और विकास का काम बहुत तेजी से होना चाहिए। हमारे नाला विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की सुविधा होनी चाहिए, लोग बाहर नहीं जाएं। अजय बराज योजना में पानी आना चाहिए ताकि यहाँ लोगों को सिंचाई करने में सुविधा हो, फसल उगाया जा सके। साथ ही साथ रोड की स्थिति बहुत अच्छी हो ताकि हम आवागमन में किसी तरह की लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। कोई बहुत बड़े कल कारखाने फैक्ट्री यहाँ लगाया जाए ताकि यहाँ पर जो है बेरोजगारों के हाथों में काम हो। जनता के बीच एक आपके पर्सनल लुक को लेके जो है लोग थोड़ा सा सोच में है कि क्या सच है क्या सच नहीं। हम मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से उस सच को आप सामने रखें। 2 शादी या 2 महिलाओं की बातें चर्चा में आ रही थी, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डाली क्योंकि आम जनता जानना चाहती है। कोई इस तरह की बात नहीं है, मेरी पत्नी का देहांत मेरे शादी के 9 साल के बाद हो गया था, पहली पत्नी के बाद, जिससे हमारा 2 लड़का है। इसके बाद हमने शादी नहीं किया था, दूसरी शादी में यही किया हूँ। ये जमीन जो देखते हैं यहाँ पर है तो दूसरी शादी मैंने किया है और यही अब 2 महीने 1 महीना तो 1 महीला तो दुनिया में है नहीं। उसके मृत्यु के 7 साल के बाद, वही मैं 7 साल अकेला घूमता था और मैं गांव-गांव में घूमता था, गांव-गांव इस क्षेत्र में कहीं संगठन नहीं था, गाँव में रहता था, वही खाता था, मांग कर खाता था, नीचे सोता था। कभी कभी बाबूलाल जी भी मेरे साथ घूमते थे और वो भी नीचे सोते थे, मैं एक मोटरसाइकिल में दोनों व्यक्ति। तो वह साथ फिर 7 साल के बाद लोगों ने हमें कहा कि भाई ऐसे एक संसार बसाने चाहिए कोई, तो कहीं अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो शादी आपको दे दे, कोई लड़की दे दे। तो एक परिवार हमको वहां मिला जिसने कुछ जगह जमीन हमको दिया और लड़की भी दिया जहां मैं बैठा हूँ। तो इस तरह से दूसरी शादी मैंने की है, ये बात सारे जाति के लोगों को मालूम है और कहीं कोई तीसरी और चौथी नहीं है दुनिया में, और कोई प्रमाण हो तो हमको कोई दिखावे। चलिए तो अभी आप सत्यनारायण झा जी को सुन रहे थे जो कि पूरे क्षेत्र को लेके, पूरे झारखंड की राजनीति को लेके और जेएमएम के क्या रोल है उसको लेके, बीजेपी का क्या रोल है उसको लेके हमसे चर्चा पर चर्चा कर रहे थे और हम अपने माध्यम से आवाम तक इस सारी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक अफवाह था उस पर भी अभी चर्चा हमने किया जो आप सुनेंगे हमारे टीवी पे और जानेंगे कि किस तरह से जो है क्या समस्या थी और किस कारण से जो देहांत हो जाने के बाद 7 साल के बाद इनको शादी करना पड़ा और परिवार बसन है। ये पर्सनल जिंदगी होता है जिसमें कि परिवार को भी लेके चलना होता थी, एक मजबूरी थी जिसके लिए इन्होंने शादी भी किया था। तो एक हर तरह से बीजेपी को लेकर हम आश्वस्त हैं कि हर हालत में जो है इस बार झारखंड में जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और जो बातें जेएमएम या महागठबंधन की सरकार कह रही है वो सिर्फ कोरी अफवाह होगी और कुछ नहीं होगा। इसी के तहत आप देखते रहिए एडिशन 24 न्यूज़। नमस्कार।